हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीस किचन। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है चटपटी सी धनिए और पुदीने की चटनी। ये काफी अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी के साथ शुरू करते हैं। इसके लिए हमने इंग्रेडिएंट्स पहले ही रख लिए हैं, तो आपको मैं बताती जाऊंगी जब डालूंगी। इसके लिए हमने सबसे पहले धनिया लिया हुआ है, इसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। उसी के साथ पुदीना, कुछ 20 से 25 पत्ते थे ये। उसके साथ लहसुन और मिर्च, लहसुन की 3 से 4 कलियां लें, मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, और 1 टमाटर और 1 प्याज डाल देंगे। इसी के साथ हमने नमक डाल देना है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है, और हींग, चुटकी भर हींग डालेंगे। चटनी को डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है और हींग से भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसी के साथ हमने पूरा 1 नींबू डाल देना है। पूरा 1 नींबू डालने के बाद आप मिक्सी को बंद करके पीस लें चटनी को अच्छी तरह, बारीक कर लें एकदम चटनी को पीसने के बाद। चटनी मैंने अच्छी तरह बारीक कर दी है, तो हमारी चटनियां बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे किसी कांच के या प्लास्टिक के बर्तन में रखें और फ्रिज में रख दें, तो ये 4 से 5 दिन आराम से चलती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।